ये पता होना चाहिए, जो कि बिल्कुल ही एक सिंपल सी बात है, कि कौन सा नंबर किस प्लेनेट को के लिए होता है। तो नंबर 1 है वो सन है, नंबर 2 है वो मून है, नंबर 3 है वो जुपिटर है, नंबर 4 राहु है, नंबर 5 वीनस मरकरी है, नंबर 6 वीनस है, नंबर 7 केतु है, नंबर 8 सैटर्न है, नंबर 9 मार्स है। तो ये तो बच्चों वाली बातें हैं जो आप लोगों के लिए, इसको समझानी ज्यादा नहीं समझाती। अब हम चलते हैं क्वालिटीज की तरफ, कि क्या क्वालिटीज होती हैं जब हम नंबर 1 की बात करते हैं, नंबर 2 की बात करते हैं, तो उनकी क्या क्वालिटीज होती है। जब भी हम बात करेंगे नंबर 1 की, तो आप लोगों ने अपने मन के आगे एक ही पिक्चर लानी है, वो है सन की। सन यानी कि किंग। नंबर 1 मींस एक किंग। किंग कैसा होता है? एक इमेजिन करो कि एक राज्य है बहुत ही खूबसूरत सा, और उसका एक राजा है। तो जब आप ऐसे इमेजिन करोगे ना, तो आपको सारी क्वालिटीज सामने आकर खड़ी हो जाएंगी। रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि नंबर 1 में क्या क्वालिटी होती है। एक राजा कैसा होता है? रॉयल होता है। एक राजा कैसा होता है? बड़ा अथॉरिटेटिव होता है। एक राजा ऐसा होता है जिसको आइडियाज बहुत आते हैं। एक राजा ऐसा होता है जो फादरली एक वो होता है, क्योंकि उसको अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करना होता है, तो फादर फिगर होता है एक राजा, है ना। एक राजा ऐसा होता है जो जो चाहे वो कर सकता है। हम अपने पापा से कैसे, हम सोचते हैं ना, हम जो कहेंगे ये हमारी इच्छा पूरी कर देंगे। फादर के लिए हमारे मन में यही विचार होता है हमेशा। एक राजा कैसा होता है? वो ऐसा लीडर होता है जिसके पीछे सब चलते हैं, वो हमेशा आगे रहता है। एक राजा जिद्दी भी होता है, जो सोचता है, जो ठान लेता है, वो करके भी रहता है। और क्योंकि वो राजा है, तो थोड़ी सी ईगो भी होगी। एक राजा ऐसा होता है जो सबके लिए सोचता है, सिर्फ अपने लिए नहीं। सेम क्वालिटी आपको नंबर 1 की लेकर आए, सेम क्वालिटी, कुछ भी फर्क नहीं करना। तो आज के बाद आप जब भी नंबर 1 को देखेंगे, तो बस एक राजा को इमेजिन करके सोचो कि वो वैसा है। शार्प माइंड, पता है उसको क्या करना है, कैसे करना है। सोच बहुत सोची, छोटी छोटी चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करते ऐसे। बड़े प्रोजेक्ट चाहिए, हाई पोस्ट चाहिए, बड़ा सब कुछ चाहिए, छोटी मोटी चीजें नहीं चाहिए। वो लाइफ किसी के अंडर काम नहीं कर सकते। क्या राजा किसी के अंडर काम कर सकता है? नहीं, उसको तो अपने अंडर सब चीज लोग चाहिए, अपने पीछे सब लोग चाहिए। वो सेम यही क्वालिटीज एक लीडर में होंगी जो एक नंबर 1 में। उसके बाद नंबर 2 की बात करते हैं, यानी कि मून। अब मून कैसा है? मून को हम मदर बोल देते हैं। एक सॉफ्ट, प्यार भरा, दूसरों से जल्दी कनेक्ट हो जाना, केयर करना। मदर ऐसी तो होती है, हर एक की केयर करना, जल्दी से अपने सेंटीमेंट्स को दूसरों के साथ जोड़ लेना। थोड़ी सेंटीमेंटल, किसी ने कुछ कह दिया तो अंदर से उदास हो गई, थोड़ी देर बाद फिर अपने आप खुश हो गई। अपने बच्चों के लिए माँ ऐसी तो होती है, डांट भी देगी तो अंदर से दुख होगा कि हाय इसको मैंने डांट क्यों दिया। तो नंबर 2 ऐसे ही होगा, इतने ही प्यार करने वाला होगा। अब यही नंबर जब बिगड़ते हैं, तो बहुत बिगड़ भी जाते हैं, वो कहानी आगे आएगी जब हम बात करेंगे रिपीटिशंस ऑफ नंबर की, ये वो कहानी आएगी। अभी हम सिंगल नंबर की क्वालिटीज को समझ रहे हैं, ठीक है। रानी कैसी है? बड़ी सॉफ्ट है, बहुत सौम्य है, रिलेशनशिप तो बहुत कमाल के मेंटेन करती है। जहां रिलेशनशिप कमाल के मेंटेन होंगे, आप सॉफ्ट होंगे, आप अच्छे होंगे, मन के अच्छे होंगे, थोड़े मूड स्विंग्स तो होंगे। आखिर चंद्रमा है, 15 दिन घटेगा, 15 दिन बढ़ेगा, तो वही चीज उसके अंदर भी आएगी। वहां ये मैरिज में भी तो रिलेशनशिप अच्छे बनाएंगे। तो नंबर 2 की मैरिज का भी नंबर माना जाता है। अक्सर इनकी मैरिज, अक्सर, नॉट 100%, इनकी मैरिज एक सक्सेसफुल या मीडियोकर मैरिज जरूर होती है। सर नंबर 2 को देखो, तो ये एक, अगर 1 वर्ड कहा जाए तो ये एक रिलेशनशिप का नंबर है, ये एक सेंटिमेंटल नंबर है, ये एक
कैसा नंबर है, मूड स्विंग्स का नंबर है। और एक सबसे बड़ी क्वालिटी जो नंबर दो में है वो है इंट्यूशन का नंबर है। जब मैं आपको हेल्थ का चैप्टर पढ़ाऊंगी, जब मैं आपको चक्रास का चैप्टर पढ़ाऊंगी, देन आपको पता चलेगा कि क्यों मैं कह रही हूं, क्योंकि ये है हमारा मूल इंट्यूशन पावर जो हमें बैलेंस रखता है लाइफ। ठीक, अब साथ साथ में अभी आप लोगों के चैप्टर्स आगे जाएंगे तो आप एलिमेंट्स भी पढ़ोगे, तो उससे आपको ये भी पता चलेगा कि पैसा कौन सा नंबर देता है, कौन सा एलिमेंट है जो पैसा लेकर आता है। चलिए नंबर थ्री जुपिटर आ गया। जुपिटर क्या है? उसका छोटा नाम दिया गया है गुरु, तो मींस वो गुरु है। कौन है यहाँ नंबर थ्री? नंबर वन तो अनुजा थी, नंबर टू मैं हूं, नंबर थ्री पूजा है। चलिए तो ये एक गुरु का नंबर है। अब गुरु कैसा होता है? जिसको पहले तो गुरु नॉलेज बहुत इकट्ठी करता है। आज पूजा ने एक एडवांस लेवल का कोर्स किया एक रिनाउंड पर्सन से। ऐसा नहीं है कि उसने कहीं भी जाकर कर लिया, बट उसकी भूख कभी कम नहीं हुई और उसने मेरे से कहा, मैम मेरे को आपसे सीखना ही सीखना है। ये क्वालिटी क्या है? ये उसकी क्वालिटी जो है वो ये है कि उसको भूख है। हमेशा नंबर तीन को एक भूख होती है कि मुझे 100% नॉलेज चाहिए, इधर से भी चाहिए, उधर से भी चाहिए, ये भी चाहिए, कहीं से कुछ छूटे ना। चाहे वो मैं बुक से करूं, चाहे मैं नेट से करूं, चाहे मैं किसी से सीखूं, चाहे मैं कुछ करूं, बस मुझे नॉलेज ही नॉलेज चाहिए। क्रिएटिव पर्सन होते हैं, कम्युनिकेशन का नंबर, जैसे नंबर वन को हम कम्युनिकेशन का नंबर मानते हैं, देन नंबर टू को भी हम कम्युनिकेशन का नंबर मानते हैं। कभी भी कोई एक ऐसा नहीं है कम्युनिकेशन का एक ही नंबर है। अब जिसमें नंबर वन नहीं है वो सारे क्या कम्युनिकेशन होगा ही नहीं, उनका पुअर हो जाएगा? नहीं, काफी नंबर्स होते हैं जिनकी क्वालिटीज आपस में कुछ कुछ मैच करती है। तो ये अगर नंबर थ्री भी कम्युनिकेशन का नंबर है, क्रिएटिव पर्सन है, सॉरी, ये जब कोई भी चीज को बहुत ज्यादा ऐसे करेंगे कि सोचेंगे या इमेज करेंगे कि हम क्या करें, हम क्या कैसा करें, तो घर में बैठे बैठे ये इनकी इमेजिनेशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, बहुत ज्यादा। काल्पनिक लोक के बंदे होते हैं ये लोग, कल्पना बहुत और सटीक कल्पना करते हैं, ऐसे नहीं बेकार की चीजें सोचते रहे। ठीक, उसके अलावा पढ़ना इनको पसंद है, नंबर इनके क्लास में कितने आए ये मैटर नहीं करता, नॉलेज इन लोगों को बहुत ज्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि नंबर तीन है तो वो क्लास में फर्स्ट आएगा, कभी भी नोटिस करना, बट नॉलेज उसको नंबर वन वाले से ज्यादा हो, ये हमेशा होगा। ठीक, उसके बाद नंबर फोर। नंबर फोर तो आ गया जी राहु। कौन है यहाँ राहु का? है कोई? नहीं है कोई भी। माला आप कौन से नंबर के हो? फाइव। ठीक है, तो अब राहु जो है वो तो बिगड़ैल है, वो बिगड़ गया तो कहीं से नहीं संभलने वाला। रीजन, दबंग बंदा है, सिर्फ सिर ही सिर है, धड़ तो है नहीं, तो सोचना है तो सिर्फ दिमाग से सोचना है, तो बहुत लॉजिकल, बहुत प्रैक्टिकल। और जो धुनक कहते ना, धुन की चढ़ जाए तो फिर तो हमने सुननी ही नहीं है, फिर तू कौन और मैं कौन। लेकिन इससे ज्यादा प्लानर कोई अच्छा होता ही नहीं, क्योंकि ब्रेन है इसके पास। और कभी भी आप लोगों ने मेरी आजकल की वीडियोस देखी हो, जो रीसेंट मैं बना रही हूँ, वो नंबर फोर के कॉम्बिनेशंस की बना। मैं एक चीज कहती हूं उसमें कि राहु सिर्फ और सिर्फ हमारा फेस है, उसके पास दिमाग है या फिर वो बोल सकता है, और राहु है तो वो, उसको बहुत कुछ चाहिए, डिजायर्स उसकी बहुत है और बड़ी बड़ी चीजें चाहिए, छोटी चीजें नहीं चाहिए उसको, उसको बड़ी बड़ी चीजें चाहिए। कभी भी राहु वाले बंदे को देखो, वो छोटी मोटी बात नहीं करता, गाड़ी लेगा, पैसे जेब में है, स्विफ्ट डिजायर की बात करेगा, 700 महिंद्रा की। ये एक एग्जाम्पल है कि वो थोड़ा सा ऊपर सोचे, ठीक है? तो मतलब उसको लेविशली लाइफ जीना, ऐसा नहीं है कि हर नंबर फोर वाला, सिंगल फोर वाला लेविशली लाइफ नहीं जिएगा, वो भी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी कि कौन सा नंबर कैसी लाइफ जीता है, बट फिर भी उनको थोड़ा इस टाइप के होते हैं।
ठीक, कि बड़ी चीजें चाहिए, दिमाग से सोचना, प्लानिंग कर लेना, दूसरे को पटा लेना। और क्या मैं कहने लगी थी कि नंबर फोर के पास क्योंकि सिर है, वो जिस भी कॉम्बिनेशन के साथ आता है उसकी बॉडी ले लेता। पहली चीज उसकी बॉडी ले लेता है, यानी कि नंबर वन के साथ आएगा तो वो एक लीडर बन जाएगा बहुत जबरदस्त, उसके जैसा जिद्दी कोई नहीं होगा, उसके वो किसी की बात को सुनना ही नहीं पसंद करेगा। ये मैं कॉम्बिनेशंस में बताऊंगी, आज नहीं बता रही मैं, बट वो इस टाइप से होगा। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको कल ही बताया कि नंबर सिक्स के साथ आता है तो वीनस का रूप ले लेता है, फिर वो मेटलिस्टिक हो जाता है। तो ये राहु की क्वालिटी है। जब भी आप राहु का कॉम्बिनेशन देखोगे, देन आप डिसाइड करोगे कि राहु का ध्यान जो है किस तरफ जा रहा है। और राहु वाले इंसान पे कभी ये भरोसा नहीं करना कि वो ऊपर से देखने में अगर बड़ा सॉफ्ट और प्यार से बोलने वाला लग रहा है ना, अंदर से वो ऐसा नहीं होगा। करेगा वो अपनी मन की, मानेगा वो ऊपर जो मर्जी बोलता रहे, वो नहीं करेगा। ठीक है, अब नंबर फाइव की बात करते हैं। माला का नंबर आ गया, तो माला जिस तरह से मुस्कुराई है और जिस तरह से वो दिखाई दे रही है, नंबर फाइव वाले ऐसे ही होते हैं। जहां जाएंगे उनके साथ घुल मिल के बैठ जाएंगे। नंबर फाइव मींस प्रिंस है, प्रिंस का नंबर है, तो घूमने फिरने का शौक प्रिंस कैसा होगा? राजा का बेटा है तो बस वो तो जहां जाएगा वैसा बन के बैठ जाएगा। उसको घूमने फिरने का, उसको लगेगा कि मेरे माँ बाप के पास तो बड़ा पैसा है जी, राजा रानी है वो, तो मैं तो अलग ही चीज हूं बिल्कुल। बहुत सोशल होते हैं ऐसे लोग, बहुत बैलेंस होते हैं। ये ऊपर से आपको बड़े मुस्कुराते हुए प्यार से दिखाई देंगे, लेकिन बुद्धि में इनका भी 3 नंबर से कम नहीं होते। इनकी प्लानिंग्स भी बहुत कमाल की होती है, मैनेजमेंट स्किल इनकी कमाल की होती है, कैलकुलेटिव लोग होते हैं। ये ऐसे पैसा खर्च नहीं करेंगे, इनको पता है कहाँ कितना पैसा लगाना है और कहाँ उसकी वर्थ है, पूरी कैलकुलेशन के साथ ये आगे चलते हैं। क्यों माला, बताओ है कि नहीं? फेंक बात है, नहीं सकते सही बात है। पैसे को, फेंक नहीं सकते कि हाँ यहाँ वेस्ट कर दिया, वहां कर दिया, ऐसा कभी नहीं करेंगे। और जहां जाएंगे, अब 5 नंबर की एक वो आगे, जब आप लोग और रिपीटिशंस में पढ़ोगे तो और ज्यादा मैं समझाऊंगी कि जहां जाते हैं वहां वैसे बन जाते। सत्संग में जाएंगे तो वहां घुल मिल जाएंगे कि बस इनसे ज्यादा भक्ति कोई नहीं है, बिल्कुल एंजॉय। और अगर कहीं ये पार्टीज में चले गए तो यहाँ तो लेडी है, आजकल की लड़कियां तो बहुत ड्रिंक करती हैं, बट अगर जेंट्स अगर ड्रिंक कर रहे हैं तो वो इतना एंजॉय कर रहे होंगे पार्टी में कि दूसरा अगर उनको सत्संग में देख के आएगा, कहेगा हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि ये ऐसा होगा। बिल्कुल इस टाइप के लोग होते हैं, होते हैं माला कि नहीं होते, बताओ? वेरी वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ठीक, तो आप लोग कभी भी ये नोटिस करना किसी पर्सन को देख के, उनको ये मत समझना कि ऊपर से वो क्या दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली आप किसी को जज कर ही नहीं सकते 2 घंटे उसके पास बैठ के। जब तक आप 10 दिन किसी के घर में नहीं रहोगे, एक्चुअल चीज तो पता ही नहीं चलती है। और हम कह देते हैं हमारी फ्रेंड है, नहीं वो तो ऐसी नहीं है, कई लोग मेरे से बड़ी बहस करते हैं। मैंने कहा सिर्फ 10 दिन उसके घर रह के आ जाओ, एक्चुअल अंदर की बातें पता चलेंगी कि वो है कैसी, फिर मेरे से आकर पूछना कि वो ऐसी है कि नहीं। वीनस नंबर सिक्स, वीनस है तो कहीं ना कहीं क्रिएटिव होगा, कहीं ना कहीं फिर से सॉफ्ट होगा। शुक्राचार्य, ऐशो आराम का शौक होना, खूबसूरत चीजें लेना, खूबसूरत रहना, खूबसूरत दिखना, खूबसूरत घर रखना, ये इनके शौक होते हैं। बड़े फैमिली पर्सन होते हैं ये, अपनी फैमिली के बगैर नहीं। इनको अपने फैमिली से बहुत अटैचमेंट होता है। 9 to 5 की अगर ये जॉब करते हैं तो पूरे 5 बजे ऑफिस छोड़ के कहेंगे बस मेरा काम पूरा हुआ, अब मैं अपने घर जा रहा हूं। नंबर 5 वाला कहेगा कोई बात नहीं, 1 घंटा और बैठते हैं, मीटिंग करते हैं और आराम से जो है वो करेंगे। जस्ट एक सेकेंड, ये मेरी बहुत बुरी आदत है, आप लोगों को कई बार भुगतनी पड़ेगी कि मैं चार्जिंग पे लगाना भूल जाती हूँ।
चलिए, तो नंबर सिक्स जो है वो आपको ऐसे दिखाई देगा। इन लोगों को फ्रेंड्स के सपोर्ट भी बहुत ज्यादा मिले, जबरदस्त सपोर्ट होगा, इनके फ्रेंड्स होंगे भी बहुत ज्यादा। नंबर फाइव एंड नंबर सिक्स फ्रेंडशिप कर लेते हैं बहुत अच्छी, ठीक है, और निभाते भी हैं। ये भी दोनों नंबर जो है, इन दोनों की एक क्वालिटी सेम होती है, ये रोमांस के नंबर। नंबर फाइव जो है वो कहते हैं कि यंग बाय हार्ट, हमेशा जवान दिखते हैं, अपनी उम्र से छोटे दिखाई देते हैं। ऐसे ही नंबर सिक्स है। नंबर सिक्स भी रोमांटिक नंबर, ऐसे लोग पॉसिबल ही नहीं है, बड़े जल्दी लव मैरिज करते हैं। नंबर सिक्स, उनका शौक है, शुक्र का नंबर है, गुड लाइफ स्टाइल है, बहुत मैरिज का नंबर है, फ्रेंडली नंबर है, ये ऐसे ही लोग होंगे। अब नंबर सिक्स की एक बैड क्वालिटी भी होती है, एक तो जल्दी नेगेटिव, अगर नंबर सिक्स बहुत ज्यादा है नेगेटिव पर्सनैलिटी भी हो जाती है इनकी। दूसरा, ये थोड़े से ऐशो आराम के चक्कर में कई बार लोन्स लेकर भी जरूरत से ज्यादा ऐशो आराम के चक्कर में लोन्स ले लेते हैं। आपकी हस्ती है कि आप एक स्कूटर पे घूमे, लेकिन इनको कार चाहिए तो ये लोन लेकर भी कार खरीदेंगे, चाहे उसके बाद इनको बहुत दिक्कतें आए तब भी ये खरीदेंगे। नंबर सेवन, सेवन नंबर आया है, एक वन वर्ड में अगर मैं कहूं तो लर्निंग एंड डिटैचमेंट का नंबर है। ऐसे लोग बड़े एनालिटिकल होते हैं, आपके बीच में जो अनुराधा है वो नंबर सेवन की, तो ऐसे लोग बहुत ही हर चीज को बहुत खोद खोद के निकालना, क्वेश्चंस जितने ये पूछ सकते हैं उसके बाद नंबर थ्री वाला पूछेगा, तो मतलब एक चीज में घुस जाना, बहुत रिसर्च करना, जड़ तक पहुंच जाना, रूट कॉज ढूंढना, ये इन लोगों के काम। और लर्निंग नंबर सेवन हो तो आप लकी हो, जिनके भी ग्रिड में नंबर सेवन आता है उनको मैं बोलती हूँ कि ये लकी लोग होते हैं। रीजन, गलतियां मैम करेंगे, इसमें मतलब साइकिक नंबर 7 होना जरूरी नहीं है ना, अगर ग्रेड में भी आता तो वो क्वालिटीज हैं। वो क्वालिटीज हैं, लेकिन यहां पर मैं साइकिक या डेस्टिनी नंबर की क्वालिटीज बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये हमारी जो क्वालिटीज हम जिसको कहते हैं ना, वो कहीं ना कहीं इस नंबर की आती है। लेकिन नंबर सेवन के लिए मैंने कहा कि अगर ग्रिड में है तो ऐसे लोग जो हैं लकी होते हैं, जिनके पास नंबर सेवन ग्रिड में होता है। अगर आप नंबर सेवन साइकिक या डेस्टिनी है, उससे भी ज्यादा मैं मानती हूँ कि नंबर सेवन अगर ग्रिड में है तो आप लकी हैं। रीजन की एक तो ये संतान का नंबर है, यानी कि आपको संतान सुख जरूर होगा। जहां मैं संतान सुख की बात करती हूँ, तो कई लोग मेरे पास, दो तीन केसेस है जो नंबर सेवन हस्बैंड वाइफ के पास है, फिर भी उनका बेबी नहीं हुआ। मैंने उनको बोला संतान सुख है आपके पास, एडॉप्ट करो बच्चा और उसको पालो, वो आपको सुख देगा। समझ रहे हैं आप? और इट मैम ऐसा मीन्स, भी होता है कि अगर 7 नंबर हाँ, नहीं है तो होगा ही नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, बहुत ऐसा सारे नहीं नंबर हैं जो बच्चे नहीं, ऐसा है। ओके नहीं, कई लोगों के पास है, सेवन नहीं है, बेबीज हैं। ठीक है। संतान सुख का मतलब ये है कि आपको बच्चे पूरे लाइफ लॉन्ग पूछेंगे, आपकी केयर करेंगे, आपको प्यार करेंगे, हमेशा आपके साथ भी रह सकते हैं, चांसेस ज्यादा, ठीक है। और संतान सुख नहीं है, इसका मतलब है कि आप यहाँ बैठे हैं और आपका बच्चा अमेरिका में चला गया, कहाँ से आया संतान सुख? खुश तो आप बहुत हैं कि बहुत पैसा कमा रहा है, हमें भी भेज रहा है, रोज फोन कर लेता है, लेकिन कहाँ है संतान सुख आपके पास? तो जरूरी नहीं है लड़ाई झगड़े ही हो, प्यार से भी दूर हो सकते हैं बच्चे, समझ रहे हैं आप? तो ये चीजें इसमें, एक दूसरी चीज सेवन नंबर की क्वालिटी, एक तो ये हो गई। दूसरी ये क्वालिटी होती है कि सेवन नंबर है लर्निंग का नंबर, यानी कि अगर सेवन नंबर आपके पास है तो आप लर्न बहुत अच्छा करते हैं, रटते नहीं हो बैठ के, डीप तक जाकर सीखते हो चीजों को और अपनी गलतियों से भी सीखते हो। जिसके पास सेवन नंबर नहीं होगा, नोटिस करना, वो गलतियों को बार बार दोहराएंगे, बहुत बार दोहराते हैं गलतियों को। तो सेवन नंबर हमारी गलतियों को सीखने का भी नंबर होता है कि हमने गलती की, अब हम जब दोबारा करने जाएंगे तो हमारे माइंड में ये चीज आएगी कि नहीं करना, क्योंकि ये चीज हम पहले कर रही थी और हमसे गलत हुआ।
तो अब हमने नहीं दोहराना इस चीज, तो ये चीज भी सेवन नंबर देता है। ठीक, तो सेवन नंबर जो है मैम मैं एक वो बोलना चाहती हूँ, हाँ जैसे आपने 7 नंबर की क्वालिटीज बताई और मेरा 7 नंबर है, तो मैंने आपको बहुत तंग किया क्लास में और बहुत क्वेश्चंस पूछे हैं। मैम ने मुझे तो नहीं ये लगा सही तुमने बोल तंग रही है। किया ओके मुझे नहीं लगा मैम, अनुराधा कि तुमने कब किया, इतने प्यार से मुस्कुराते हुए क्वेश्चन पूछते थे और मुझे बताना भी बहुत अच्छा लगता था, है ना। मतलब बहुत क्वेश्चंस पूछे मैम ऐसे बोल रही है, अच्छी बात है। और आपने सब क्वेश्चन सॉर्ट आउट भी कर दिए। हाँ अभी अभी पूजा ने शुरू में कहा मैं बहुत क्वेश्चन पूछूंगी, तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, यस जब कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो पूरी क्लास को फायदा होता है इस चीज का। ठीक है, मैम, तो अभी भी हाँ अनुराधा अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो पूछ सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। यस मैम, ओके चलिए ओके, थैंक ठीक। सेवन नंबर एक डिटैचमेंट का नंबर है। सेवन नंबर का एक और पॉइंट है कि धोखे का नंबर कहलाता है। किसी को पैसा उधार नहीं देना, वापस नहीं आएगा। अनुराधा ये आपके लिए, यस मैम। लोग जल्दी धोखा दे सकते हैं। नंबर सेवन साइकिक या डेस्टिनी है, बीच में है तो नहीं। यहां पर ये एक पॉइंट क्लियर कर दूं मैं, तो ये मत सोचना कि हमारे ग्रिड में है तो नहीं। अगर आपका साइकिक या डेस्टिनी नंबर सेवन है तो लोग आपको धोखा दे सकते हैं। ऐसे लोग जो हैं, अगर ऑकल्ट साइंस में इन लोगों को जरूर जाना चाहिए, जाएंगे तो बहुत फायदा होगा, या फिर टेक्निकल लाइन में जाओ। दो ही लाइनें हैं इनके लिए जो बहुत फायदा देती है, बाकी तो मैं खैर प्रोफेशंस में बहुत कुछ बताऊंगी। नंबर एट, नंबर एट मींस शनि का नंबर। एक जज है शनि। जज कैसा होता है? अभी आपने कोई क्राइम किया तो कांप रहे होते हो जज के सामने, कहीं किसी ने गलत गवाही दे दी, कहीं हमारे गए काम से जेल में पहुंचे, क्योंकि जज ने तो बिल्कुल सही डिसीजन देना। तो शनि वो ही है, घबराना उनको है जो गलत काम कर रहे हैं। जो सही चल रहे हैं, शनि उनको ना तो कुछ कहेगा और बहुत कुछ देगा भी सही। तो लाइफ में वो लोग घबराए जो गलत काम करते हैं, सचमुच उनको पनिश मिलने वाली है। तो अनुजा हमेशा सही रहो, हमेशा मेहनत करो, देखो शनि आपको क्या देता है। जी किसी के साथ गलत नहीं करो, शनि सिर्फ उन लोगों को दंड देता है जो गलत करते हैं, जो सही है उनको वो कहते हैं एक चार नंबर और एक आठ नंबर, जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। तो मैम, ये इतनी नेगेटिविटी स्प्रेड क्यों की जाती है? मतलब अब आपसे बात हो रही है मुझे तो नहीं ये एक समझ आ, पॉजिटिव है, मतलब आए मुझे नहीं समझ कि में मतलब मैं इतना हार्ड वर्क करती हूँ लेकिन आ। एक लास्ट मेरे पॉइंट पे आके मैं पास रुक जाती हूँ, नहीं मिलेगा कुछ तो। आपने अपने माइंड में सेट कर लिया ना, हाँ कि मेरा 1 मिनट है मेरे सो। गुरु एक ही बात कहते थे, आप चाहते क्या हो वो सोचो, वो आपको 100% मिले। मैम वो कई अब बार दिमाग में आती है, बट ये भी होती है कि 1 एंड 8 है, 1 एंड 8 है, सक्सेस तो है ही नहीं, तो मतलब और कई बार ना ये चीज देखने को भी मिल आप एक जाती है बात आपको। बताओ कि 8 नंबर के कितने रिनाउंड पर्सन्स हैं, यस तो वो क्यों रिनाउंड हो गए? मनमोहन इवन सिंह हमारे मोदी जी नंबर आठ, भी 8 नंबर में हो। आठ, यस। वो क्यों रिनाउंड हो गए, वो क्यों हाई पोस्ट पे पहुंच गए? वो तो स्ट्रगल ही करते रह जाते फिर सारी जिंदगी। 8 नंबर को आफ्टर 40 जो है वो अच्छा, उनका भाग्य कहते ना उदय हो गया। थोड़ा लेट जरूर मिलता है, शनि है वो अपनी क्वालिटी शने शने ही चलेगा। उनकी एक वो टांग लेट में कहते ही हैं ऐसा कि लगता है कि हाँ हाँ गया बस। नहीं गया, नहीं मिलेगा सब कुछ, क्योंकि नंबर 8 है तो ये मनी का नंबर है, प्रॉपर्टी का नंबर है, स्टडी का नंबर है, विजडम का नंबर है, सेल्फ नॉलेज का नंबर है, एक प्रैक्टिकल नंबर है। लॉजिकल सोचते हैं, प्रैक्टिकल सोचते हैं, इतने पावरफुल। अगर पूरे उसमें लोशो ग्रिड में सबसे पावरफुल नंबर जो होता है वो नंबर 1 होता है, सबसे पावरफुल नंबर, और सेकंड पावरफुल नंबर नंबर 8 होता है, तो कौन कहता है कि नंबर 1 8 का कॉम्बिनेशन जो है वो खराब? मुझे ये बताओ, यूज करके देखो इस नंबर को। मैम लोग मेरा क्या कर एक्स्ट्रा रहे हैं क्लास लेने मुझे का नहीं, रीजन ही यही मेरे था। को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, लोग क्या कर रहे हैं इसी नंबर को छोड़ के और अपने दोस्तों को ढूंढ रहे हैं।
और यहीं पर ये गलती करके आप लोग जो है वो परेशान हो रहे हो। बिल्कुल, हम कह देते हैं कि नंबर 5 पे नाम रख लीजिए, नंबर 6 पे नाम रख लीजिए, नंबर 3 पे नाम रख लीजिए, क्योंकि उनकी वाइब्रेशंस बहुत अच्छी हैं, वो आपको कुछ आगे दे जाएंगी, ठीक है। बट यूज तो करो इन नंबर्स को अच्छे से, ये आपके अपने नंबर हैं। अपनी चीजें छोड़कर दूसरों की चीजों में झांकोगे तो वो कितना मिल जाएगा। यूज करो, अगर पॉजिटिव हो तो बहुत राइज करोगे, ये इसका एक टैगलाइन। अगर नेगेटिव हो तो नंबर 8 आपको कुछ नहीं दे। अब अनुराधा सॉरी अनुजा को हमें आज फर्स्ट डे से 21 डेज में पॉजिटिविटी की तरफ ले जाना है, ये हमारा लक्ष्य। और इसी 21 दिन में, जो मेरे वर्किंग 21 दिन है, वैसे तो आपका और आगे चला जाएगा कोर्स, लेकिन जो वर्किंग 21 डेज हैं, इनमें अनुजा एक अलग पर्सनैलिटी निकल के आएगी। मेरा तो डाउट ही यही था, मेरा मतलब पर्टिकुलर स्ट्रेस ही इन 2 नंबर्स पे था, क्योंकि इतना सुना ना तो कि ये वन है नॉट वन है यही नेट तो इज स्ट्रेस आउट जीरो। करना है, फिर फायदा क्या सीखने का, ठीक है ना। आप ऐसे लोग की एक ही चीज होती है कि ये दो चीजों में फंसे रहते हैं, मेटलिस्टिक भी होना चाहते हैं और स्पिरिचुअल भी बनना चाहते हैं। इनको लाइफ में हर चीज चाहिए भी सही, और इधर से ये कहते हैं कि हम हमें जो है स्पिरिचुअल भी बहुत हाई लेवल का बनना है, थोड़ा बहुत नहीं करना, तो मेडिटेशन भी करनी है, तो करेंगे, दोनों चीजों में फंसे हुए रहेंगे और करेंगे भी सही। पेशेंस लेवल बहुत अच्छा है और रखना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे नंबर्स को पेशेंस लेवल बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब आ गया नंबर 9। नंबर 9 की जब भी हम बात करते हैं तो नंबर 9 को सबसे पहले एक ही चीज से जोड़ते हैं, फायर का नंबर है। तो आग क्या होती है, जब भड़कती है तो सबको जला देती है, तो अग्रेशन का नंबर है। एक अग्रेशन, अब ये अग्रेशन कैसे यूज करना है। अब नंबर 9 वाले तो सारे डर जाए, अनुराधा का डेस्टिनी नंबर 9 है, कि हम ये तो अग्रेशन का नंबर हो गया, ये तो आग ही लगा देगा। बट उस अग्रेशन को पॉजिटिवली यूज कर लोगे तो वो तुम्हें नेम फेम दिलवा दे, और नहीं तो वो खुद को ही डिस्ट्रॉय कर लोगे। हर नंबर की यही कहानी है कि उसको यूज बड़ी अच्छे ढंग से करो, उसको अग्रेशन को अपनी पढ़ाई में ले आओ, उस अग्रेशन को अपनी जॉब में ले आओ, उस अग्रेशन को अपने बिजनेस में ले आओ, उस अग्रेशन को ऐसी जगह यूज करो जहां पर वो आपको प्रोफेशनली बहुत ज्यादा नेम फेम दिला, तो वो बैलेंस हो जाएगा। ऐसा बंदा जो है 9 वाला, अगर फालतू बैठ जाएगा तो वो अपने आप को ही खत्म करेगा। तो 9 नंबर मींस एक्शन का नंबर। ऐसे पर्संस को हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, और वो रहते भी हैं। अगर उनके हाथ पैर नहीं चल रहे तो उनका दिमाग चल रहा। 4 और 9 जो है ये टेक्निकल नंबर भी होते हैं। आज की दुनिया में जहां की आईटी इतनी इंडस्ट्री इतनी ज्यादा हो गई है, आज हम लोग जो बैठे हैं टेक्निक के हिसाब से ही आमने सामने बैठे हुए हैं, तो ये जो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, इसके पीछे 4 और 9 का सबसे बड़ा रोल है, राहु और मंगल। ठीक, तो कभी भी 4 और 9 के कोई करियर काउंसलिंग के लिए भी कोई आए तो आपको टेक्निकल लाइन में, इनको आईटी सेक्टर में भेजो, इनको इंजीनियर्स बनाओ, ये लोग बने ही इसलिए के लिए, तो बहुत ही कामयाबी मिली। 9 नंबर है तो आप लोग बहुत सारे आगे प्रोफेशन, हम आगे पढ़ेंगे, बहुत सारे प्रोफेशंस हैं। ये नंबर जो है, ये जो नंबर है, ये ऑनर बहुत चलता है और इसको मिलता भी है। ये ह्यूमैनिटेरियन होता है। एक बजरंगबली को सोच के देखो, हनुमान जी की पर्सनालिटी को देखो, कितना अग्रेशन था कि लंका पहुंच गए और आग लगा दी उसमें, और समुद्र लांग गए पूरा, ये था उनका अग्रेशन। एक्शन कितना स्ट्रांग था, उड़ के चले गए, पावर कितनी थी, जो चाहे वो पा सकते थे, पूरी अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया उन्होंने, है ना। तो वो चीज अगर आप किसी पर्सन को रख के सोचोगे ना सामने, और दया कितनी थी कि अपने राम भगवान के लिए कुछ भी करने को दया, सेल्फलेस होकर,
उनका तो कोई मकसद नहीं था ना, वो तो एक भक्ति में थे। तो जब कभी भी किसी नंबर को लेकर किसी पर्सन से या किसी इष्ट से जोड़ कर देख लोगे जो उसके हैं, तो आपको वही चीजों का रूप दिखाई देगा। नंबर 1 को आपको सूर्य से जोड़ना है, नंबर 2 को आपको मून से जोड़ना है, नंबर 3 को आपको किसी गुरु से जोड़ना है, ठीक है, नंबर 4 है तो वो राहु है, तो राहु तो आपको पता है कैसी पर्सनैलिटी है, नंबर 5 है तो गणेश जी, नंबर 5 के इष्ट गणेश जी, आप गणेश जी। अच्छा, नंबर 4 को भी अगर किसी की पूजा करनी है तो वो गणेश जी, ठीक है, और नंबर 5 गणेश जी कैसे, कितने इंटेलिजेंट, बड़े बड़े कान, यानी कि सुनने की पावर बहुत है, आराम से बैठ के किसी की बात सुन सकते हैं, ग्रास्प कर सकते हैं, ठीक मैंने है, सबके कलर्स और वो जाएगा वास्तु ये सब सब कुछ आएगा। करेंगे। ठीक हाँ सब कुछ आएगा, कुछ नहीं छूटेगा अनुजा, कुछ ओके भी नहीं छूटेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 6, तो लक्ष्मी माँ है ना, वीनस का नंबर, तो आप उनकी क्वालिटीज को देखो, सेम क्वालिटीज, लक्ष्मी माँ का रूप देखो कैसा होता है, कितना खूबसूरत और कितने डेकोरेटेड, कमल के फूल पे बैठी हैं और पूरे उन्होंने गहने पहने हुए हैं, हाथ से भी सोना निकल रहा है, मींस लग्जूरियस लाइफ दिखाई देगी आपको कहीं ना कहीं। नंबर 7 है फिर गणेश जी, ये राहु केतु की पूजा अगर कोई भी इष्ट हो तो गणेश जी की पूजा बतानी होती है उन्हें। नंबर 8 है तो शनि को आप देखोगे कैसे हैं, धीरे धीरे चलते हैं, बड़े जी लॉजिकल और प्रैक्टिकल हैं, वो ही बात करेंगे जो सही है, ओके गलत बात नहीं करेंगे और मेहनत पसंद करते हैं। नंबर 9 है तो आप हनुमान जी को याद करो कि वो पर्सनैलिटी, तो बस जब ये पर्सनैलिटी आपको सामने दिखाई दे जाएंगी तो आपको किसी भी पर्सन को आप आराम से बोल सकते हो कि आप ऐसे, ठीक,